जैन बच्चों, इसमें आप लोग महामना इस छोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19 देखने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। देखिए, दिया हुआ है सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इनसब्सक्राइब इन द गिवन फिक्स सर्किल। ऐसा सर्किल जो फिक्स है, तो जानते हैं जब कहा जाता है कि सर्किल फिक्स है तो उसका रेडियस जो होता है कॉन्स्टेंट होता है। इट मीन्स रेडियस ऑफ, इफ सर्किल इज फिक्स इट मीन्स इट्स रेडियस इज कॉन्स्टेंट। एंड सपोज रेडियस ऑफ द सर्किल इज स्मॉल आर, ओ ए इज रेडियस एंड ओ सी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी सर्किल के अंदर अगर कोई रेक्टेंगल इनसब्सक्राइब हुआ है, सर्किल कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर तब होगा जब इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल सर्किल के सेंटर से होकर के पास करता है, और देखिए आप इस एंगल को अगर हम थीटा एज्यूम कर लें, तो ये एंगल अगर रेक्टेंगल है तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। एंड यू नो दैट इन एनी राइट एंगल ट्रेंगल साइड ए सी इज हाइपोटेनियस, ए बी इज बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर। तो एट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आर प्लस आर टू आर इन ट्रेंगल ए बी सी। इन ट्रेंगल ए बी सी ये बेस और ये है हाइपोटेनियस। तो बेस एंड हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो कॉस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनियस आर प्लस आर टू आर। हेंस ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आफ्टर टू आर कॉस थीटा। ये तो हमने साइन थीटा का रिलेशन लिया, सॉरी कॉस थीटा का रिलेशन लिया, अब हम साइन थीटा का रिलेशन लेते हैं। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए हम यहाँ कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस टू आर। हेंस बी सी इज इक्वल टू टू आर साइन थीटा। एंड यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इफ ए देन इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज इक्वल टू ए बी एंड ब्रेथ इज इक्वल टू बी सी। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, A is equal to AB 2 R cos theta and BC 2 R sin theta. अब देखें, A is equal to 2 and R into R, R square. अब फिर ये जो 2 है उसको इसके साथ ले लेते हैं, ये 2 sin theta into cos theta. देखिए 2 R into R, R square पहले आ गया और फिर साइन 2 ये 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
हेंस ए इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर एंड इज इट इट इज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो अब यहां से हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिला है। अब क्या करेंगे हम, आर कॉन्स्टेंट है इन क्वेश्चन गिवेन दैट और इज फिक्स, तो अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट मीन्स डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा एंड टू थीटा इज इक्वल टू टू। इट मीन्स डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर cos 2 theta. For finding the value of theta, we equate dA upon dt is equal to 0. Then 4r square cos 2 theta is equal to 0. Hence cos 2 theta is equal to also 0. And 0 is the value of 90 degree. Hence cos 2 theta is equal to cos 90 degree, equating both of angles, 2 theta is equal to 90 degree, it means theta is equal to 90 by 2 and it is equal to 45 degree. Theta जो है 45 degree हो गया। अब हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि इसका जो एरिया है एरिया मैक्सिमम होगा, और अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो ये रेक्टेंगल ना हो करके ये स्क्वायर होगा। तो अब देखिए थीटा के वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो देखें ये है आपका 4r स्क्वायर, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ कॉस इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा एंड डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ 2 थीटा इज 2। हेंस डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब देखें फिर जो है हम यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो देखें थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं फिर क्या मिलता है, ये हो जाएगा माइनस 8r स्क्वायर साइन वैल्यू ऑफ थीटा 45 डिग्री, 45 इंटू 2 90 डिग्री। इट मीन्स माइनस 8r स्क्वायर वैल्यू ऑफ साइन 90 इज इक्वल टू 1, हेंस दिस वैल्यू इज निगेटिव एंड इफ दिस वैल्यू इज निगेटिव हेंस वी कैन से दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन हमको ये प्रूफ करना होगा कि यह रेक्टेंगल नहीं है बल्कि ये जो है स्क्वायर है, और स्क्वायर तब होगा जब इसका लेंथ और वेथ दोनों इक्वल होगा। तो चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से ए बी जो निकला था, देखिए यहाँ हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2r cos theta, theta is equal to 45 degree, it means 2r and cos 45 is equal to, cos 45 is equal to 1 by root 2, this is equal to root 2, 2 is equal to root 2 into root 2, it means root 2r. So length of the rectangle is root 2r. अब हम यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड करते हैं। BC इज इक्वल टू, देखिए BC इज इक्वल टू 2r sin थीटा। तो अब बल्कि देखो यहाँ जगह नहीं है या स्पेस नहीं है, हम यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं इसको। BC इज इक्वल टू 2r sin 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 2r sin 45 1 by root 2, इट मीन्स 2 is equal to root 2 into root 2, root 2 से root 2 cancel हो गया, ये हो गया root 2। और आप देख रहे हैं कि ये जो rectangle था, इस rectangle का जो AB है, AB means length of the rectangle is 2R and width of the rectangle is also root 2R. It means the rectangle in subscribe the circle, its length and width both are equal. It means
दिस रेक्टेंगल इज एज ए स्क्वायर। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूफ। हेंस क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्यूटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका सरफेस दिया हुआ है, तो जो दिया गया होता है वो कांस्टेंट होता है, जो फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सरफेस एरिया को अगर हम यस से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 2πr² + 2πrh। हम यहाँ से यच की वैल्यू फाइंड कर ले, क्योंकि यच की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, 2πr से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यस अपॉन 2πr इज इक्वल टू आर, और प्लस ये हो जाएगा यच। अब यहाँ से यच की वैल्यू फाइंड करें, आर इधर आ जाएगा, तो यस अपॉन 2πr माइनस आर इज इक्वल टू यच हो जाएगा। ये यच की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, यहां पर एच हम पुट कर देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू एस अपॉन 2πr - r। हम चाहें तो इसका पाई आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू देखें पाई आर स्क्वायर एस अपॉन 2πr - πr³ / 2πr। फिर देखें क्या होगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, आर से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, और फिर जो है यहाँ पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से क्यूब कैंसिल हुआ, स्क्वायर हो गया। तो v इज इक्वल टू देखे यहाँ पर हाफ आर यस हुआ, और माइनस यहाँ देखा जाए ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम निकल गया इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एरिया। अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है, सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस। देखिए बेस का रेडियस r है, इसका डायामीटर होगा तो 2r हो जाएगा, और इसका हाइट h है। तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब इसका हाइट डायामीटर के इक्वल होगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए हम यहाँ पर r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया तो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो अब यहाँ dv अपॉन dr हम फाइंड करेंगे, तो देखें यस तो कांस्टेंट है और r का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यस बाई 2 और माइनस 1/2। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर इज 2r, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया डी वी अपॉन डी आर इजकल टू यस बाई 2 माइनस आर। अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो अब ये डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, तो फिर देखें क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये हो जाएगा यस बाई 2 माइनस आर इज इक्वल टू 0, हेंस एस बाई 2 इज इक्वल टू आर, यस इज इक्वल टू 2r। अब हम इसके बाद इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।
देखिए थोड़ा सा यहाँ फॉल्ट हो गया था, ये मल्टीप्लीकेशन ज़रा केयर कीजिएगा इसको और इसको रिवाइज कर लीजिए। v इज इक्वल टू ये है पाई आर स्क्वायर एस अपॉन टू पाई आर और माइनस ये हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा। गलती से यहाँ भी नीचे टू पाई आर हम लिख दिए थे, तो अब देखें ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू हाफ आर एस माइनस ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब हम आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू हाफ एस और माइनस हो जाएगा थ्री पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो के तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन, या लिखते हैं डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो देन एस बाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एस अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री पाई आर स्क्वायर हेंस यस इज इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर। यस की जो वैल्यू होगी वो सिक्स पाई आर स्क्वायर होगी। आपको दिखाना है कि ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें यस तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कोफिशियंट और ये हो जाएगा आपका माइनस सिक्स पाई आर हो जाएगा। अब देखें तो अगर ये आर कांस्टेंट है, अगर आर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है और वैल्यू निगेटिव आ रही है इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये तो प्रूफ हो गया। अब हमको दिखाना है कि इसका हाइट जो होगा डायामीटर के इक्वल होगा, तो यहाँ से जो यस की वैल्यू हमको फाइंड हुई थी यस की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं और रख करके देखते हैं क्या होता है। यस के जगह पे 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू यस, फिर देखें पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3 आर माइनस आर इज इक्वल टू एच, 3 आर माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर, 2 आर इज इक्वल टू यच, यच इज इक्वल टू 2 आर। हेंस वी कैन से दैट द सर्फेस द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज मैक्सिमम इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू डायामीटर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।